मुझे देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करते। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक करते। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना सब फ्री है, तो जितना हो सके उतने मेरे वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें तो जरूर भैया, है ना। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करती हूँ और टॉपिक पे आ जाती हूँ, डैंड्रफ के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डैंड्रफ होता क्यों है, ठीक है, उसके बाद इसके निदान के बारे में बात करते हैं। डैंड्रफ जो है दो तीन कारण से होता है। सबसे पहला कारण ये है कि अगर आपका स्कैल्प है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो ड्राइनेस की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है, यानी हद से ज्यादा अगर रूखा स्कैल्प है तो ड्राइनेस होगा ही होगा। दूसरा कारण ये हो जाता है कि अगर आप शैम्पू करते हो, आपको लगता है कि आपने बड़े अच्छे से शैम्पू किया, बड़े अच्छे से कंडीशनर लगाया, बड़े अच्छे से हेयर सीरम लगाया, सब कुछ किया, बट जब हेयर को वॉश करने का टाइम आता है ना, जो अच्छे से सार के नीचे हेयर को वॉश करें या अगर टब्बात लेते हो तो अच्छे से कैसे भी मीन्स बाल के अंदर से शैम्पू अच्छे से निकल जाए, इतू सा भी शैम्पू बाल के अंदर ना रहे, बट हम लोगों को लगता है, बहुत को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से शैम्पू कर चुके, बहुत अच्छे से वॉश कर लिए, बट उनके स्कैल्प में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शैम्पू रह जाता है, अच्छे से वॉश नहीं करते, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वाह कितना पानी से धो, तो यहाँ पे ही आप गलती करते हो, उसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ होता है। क्योंकि वो शैम्पू क्या होता है, आपके स्कैल्प पे रह जाता है, पहला तो वो डैंड्रफ का कारण बन जाता है, दूसरा कारण बन जाता है स्कैल्प जो होता है ना वो इची स्कैल्प हो जाते हैं, यानी कि आपके स्कैल्प में हमेशा खुजली होती रहेगी। तो ये कारण होता है ड्राइनेस की वजह से और अच्छे से शैम्पू न निकलने की वजह से। तीसरा मेजर प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, मीन्स आज शैम्पू किए एक दिन के बाद फिर से आपको लगता है कि आपके स्कैल्प, तो फिर से मीन्स हमेशा जो है ना आपके स्कैल्प पे स्वेटिंग रहता है, पसीना पसीना रहता है, आपका स्कैल्प हमेशा गीला रहता है, गंदा रहता है। अब पसीना होगा तो गंदगी भी आएगी, रोड पे अगर जाते हो या फिर किचन में काम करते हो तो वो धूल डस्ट आपके जो है वो बाल में आता है, फेस पे तो आता ही है भैया, बाल भी खराब होते हैं उससे, किचन में हो चाहे रोड पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो कुछ भी, तो उसकी वजह से भी आपके बाल में डैंड्रफ होता है। तो ये चार कारण हो गए। निदान क्या है, निदान तो बहुत सारा मीन्स बहुत कुछ DIY है, बहुत कुछ ऑयल है जिसकी वजह से आपके स्कैल्प से डैंड्रफ हमेशा के लिए चला जाने वाला है, बहुत सारे DIY मैं बना के तो इस पे ना दिखलाऊं इस चैनल पे, क्योंकि DIY बनाने वाला मेरा ऑलरेडी एक चैनल है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, तो उसके ऊपर ही मैं DIY बनाने का मीन्स प्रयत्न करती हूँ, बट इस पे DIY बता सकती हूँ मैं आज के वीडियो में नहीं किसी और वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो यकीन माने आप गजब का प्रोडक्ट है। मैं एक बार अपने बेटी के सर के ऊपर लगाई हूँ, मैं अपने हेयर पे नहीं लगाई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं कि मैं लगाई हूँ, मेरे सर में डैंड्रफ है, मैं लगाई हूँ और मेरे डैंड्रफ चले गए, ना बाबा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे डैंड्रफ की परेशानी नहीं है, इतू सा भी नहीं है, क्योंकि मैं शैम्पू बहुत अच्छे से निकालती हूँ, दूसरा मैं अपने स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देती हूँ, और तीसरा मैं अपने स्कैल्प को ऑयली और स्वेटिंग मतलब पसीना से गंदा भी नहीं होने देती हूँ। तो जब ये तीनों चीज होता नहीं है तो फिर मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ होते भी नहीं है।
बट मेरी बेटी है शैम्पू करने के मामले में थोड़ी लेजी है। एक्चुअली शैम्पू करने का जो होता है ना उसमें लेजीनेस नहीं होना चाहिए, वीक में आपको दो बार शैम्पू जरूर करना चाहिए। बट अगर आप शैम्पू नहीं करते हो मेरे बेटी टाइप की, अगर आप थोड़े लेजी हो तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत सही है। प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो प्रोडक्ट है आपको ग्रीन लीफ का एंटी डैंड्रफ जेल हिबिस्कस प्लस एलोवेरा। ये कुछ इस तरह का अंदर से, क्योंकि हिबिस्कस है तो इसका कलर जो है आपको रेड होता है, ठीक है। ये देखिए ये यहां से ओपन है क्योंकि मैं इसको यूज की हुई हूं अपनी बेटी के हेयर। आप देखिए जहां तक इसके स्मेल की फ्रेग्रेंस की बात करते हो तो थोड़ा सा एलोवेरा और हिबिस्कस का तो स्मेल है ही, प्लस थोड़ा सा स्मेल जो है इसका आपको थोड़ा सा परफ्यूम, अगर आप पसंद करते हो तो परफ्यूम वाले जो है सो इसके स्मेल है, ठीक है। बहुत हार्ड वाले नहीं है बट है थोड़ा सा परफ्यूम जैसा स्मेल आता है इसको। अब बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करेगा, इसका प्राइस क्या है, इसका सेल्फ लाइफ क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे साइज आते हैं बट मैं परचेज की हूँ 500 ग्राम, क्योंकि मुझे इस ब्रांड के ऊपर और इस प्रोडक्ट के ऊपर पहले से भरोसा था कि भैया अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तो इफेक्टिव होगा ही, तो मैं परचेज कर ली इसे। सेल्फ लाइफ की अगर बात करते हो तो 3 साल इसका सेल्फ लाइफ है। अब लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। आपका बाल जो है वो ड्राई होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका बाल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। शैम्पू किए हुए 2 दिन हो गया हो तो भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आपके बाल में अगर आपके हेयर में ऑयल हो तो भी आप इसको लगा सकते हो। आपका बाल गीला है तो भी आप इसको लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है, इसको लेना है, ऐसे लेना है आपको। उसके बाद आपको यहां से ऐसे लेना है इसे। मैं अपने बाल में नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज मैं बहुत मेहनत से शैम्पू की हूँ। ऐसे लेना है और अपने पूरे बाल में इतू सा मैं लगा के दिखाती हूँ। ऐसे देखिए आपको ये लेना है, ऐसे लेना है, पूरे बाल में ऐसे आपको लगा लेना है, ठीक है। सिर्फ बाल में ही आपको नहीं लगाना है, आपको इसको स्कैल्प में भी लगाना है, क्योंकि डैंड्रफ तो स्कैल्प में है। तो आपको क्या करना है, स्कैल्प में लेना है इसे और पूरे स्कैल्प में कैसे तेल लगाते हैं ना वैसे ही पूरे पूरे सर में आपको लगा लेना है। स्कैल्प में भी लगाना है और बाल में भी लगाना है, दोनों। पहले स्कैल्प में ऐसे 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 कैसे हम लोग तेल मालिश करते हैं लगाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे ही आपको पूरे बाल में आपको लगा के स्कैल्प में लगा लेना है, ठीक। आपको इसे ओवरनाइट छोड़ना है, मीन्स बाल में आप लगा लें और इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें, पूरी रात आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लें, ठीक है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लें और जो भी आप शैम्पू करते हो उससे आप शैम्पू कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहे तो अगर आपको लेजीनेस हो रहा है कि मैं रात में लगाई मुझे नहीं शैम्पू करना है, आप लगाओगे तो आपको उतना फील नहीं होगा कि आपने बाल में अपने कुछ लगाया है, तो नेक्स्ट डे आप चाहो तो बिना शैम्पू किए हुए भी रह सकते हो। बट अगर मुझसे पूछते हो तो मैं अपनी बेटी को कैसे यूज की हूँ, तो मैं उसके रात में उसके सर में लगा देती थी और सुबह में उसको शैम्पू कर देती थी। जो भी आप ठंडे पानी से करते हो, गुनगुने पानी से करते हो, जैसे भी आपको शैम्पू करना है कर लेना है। 3-4 बार में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको 3-4 बार ही अगर अपने बाल में इस्तेमाल करते हो ना तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे अगर आइडियल अगर मुझसे पूछते हो कि अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीक में अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते हो तो आपको 1 महीने में ही आपके डैंड्रफ जो है आपको 80-90% लगेगा कि आपके डैंड्रफ जो है वो खत्म हो गए। साथ ही साथ इसके अंदर हिबिस्कस है और एलोवेरा है, विटामिन ई है, तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते भी हैं, इसमें लिखा नहीं है कि अगर आपके बाल को गिरने को भी बचाएगा चाहे कुछ भी ऐसा बचाएगा, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के सर में लगाई हूँ, तो अगर आपके डैंड्रफ के कारण अगर आपके बाल में से बहुत ज्यादा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हो ना तो गिरने को भी बचाता है, क्योंकि हिबिस्कस है, एलोवेरा है, तो आपके बाल को हार्म नहीं करने वाला, आपके बाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला है। डैंड्रफ के साथ साथ आपके बाल की लंबाई को भी बढ़ाने वाला है और हेयर फॉल को भी रोकने वाला है। गोल्डी के बाल में थोड़े से डैंड्रफ थे, मुझे 1 बार में ही बहुत ज्यादा फर्क दिखा है, बहुत ज्यादा। बट अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो
तो आपको एक महीने में बहुत ज्यादा फर्क दिखने वाला है। अगर मुझसे पूछते हो कि इसको कौन से एज से लगाना चाहिए, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल की हो गई है ना, 8-9 साल की, ताकि वो बच्चे को समझ में आए कि यहाँ पे खुजली करके स्कैल्प में हाथ करके और माउथ के अंदर नहीं लेना है या फिर आंख के पास नहीं लेके जाना है, तो फिर आप उसको लगा सकते हो। मीन्स 10 साल के बच्चे हो गए तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको एक बार बता दोगे तो वो समझ जाएंगे। तो ये वाकई काम करता है। अगर मुझसे पूछते हो इसको रेटिंग में देने में, तो मैं 10 में 10 देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। गोल्डी के सर पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। वीडियो अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।